आखिर ये जो मैं क्षण कहूंगा या मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक जो लम्हा जो हमारी जीवन में आने वाले समय में भी आने जा रहा है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और 500 वर्ष पुरानी लंबी लड़ाई को जो हमने जीता है, कहते हैं कि जो मनुष्य का जो जीवन होता है वो एक ही बार मिलता है, जो बहुत पुण्य रखते हैं उन्हें मनुष्य योनि में पैदा होने का सौभाग्य मिलता है। और इस मनुष्य योनि में जब आज हम लोग यहाँ पे हैं तो आज इस कथा का तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन पहले तो एक इतिहास हो रहा है कि कैबिनेट की बैठक बाबा विश्वनाथ जी के धरती पर होने जा रही है और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि आज ही आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उसके कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया है और इतना भव्य और इतना सुंदर भगवान शंकर जी का भोलेनाथ का जो कॉरिडोर बना है और उसी पावन धरती पे उत्तर प्रदेश में ये एक इतिहास भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए है और एक संदेश भी है कि हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और सभी वर्गों का सम्मान करती है। पूरी देख लिया, पेपर लीक हुआ था, जो दो अधिकारी कर्मचारी जो भी दोषी थे सरकार ने तुरंत उनकी गिरफ्तारी कराई है और मेरे ख्याल से ये पहली बार हुआ है कि ऐसी सरकार ने इतना सख्त कार्रवाई करी है, क्योंकि सरकार बहुत संवेदनशील है नौजवानों के करियर के मामले में, उनका भविष्य के लिए सरकार संकल्पित है और जिन लोगों ने भी उन नौजवान करोड़ लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, सरकार ने सख्ती से उन पर एक्शन लिया है और आज मैं देख रहा हूँ जितने लोग भी इन्वॉल्व थे सभी लोग जेल जा चुके हैं और निश्चित रहिए जब भी सरकार अगली डेट की घोषणा करेगी बच्चों का भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, सरकार जो जिस काबिल है उसको उस जगह समायोजित किया जाएगा।